नमस्कार, मैं मेनका दर्जन दागी आवाज़ स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सोच रहे होंगे कि मेनका कहाँ बैठी हुई है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेनका कहाँ बैठी हुई है। हम अपने घर में अपने आराध्य की पूजा करते हैं और उस आराध्य की जो पूजा करते हैं उसके जो माध्यम होते हैं वो मूर्ति होती है, फोटोग्राफ्स होते हैं, और हम उसे बड़े तन मन धन से उनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति खंडित हो जाती है तो क्या इस तरह फेंकना क्या ये सही है, ये मैं आप लोगों से पूछती हूँ। ये आप ये देखिए, ये मूर्ति आप देखती है, इस तरह की मूर्ति देखिए आप, और भी इस तरह की कई सारी मूर्तियाँ जो हैं यहाँ से पूजा करने के बाद फेंक दी जाती है। ये कहाँ तक सही है आप मुझे ये बताइए। क्या हम अपने धर्म के साथ, अपने भगवान के साथ हम ये सही कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। हम जिसे पूजते हैं और बस वो मूर्ति जो है खंडित हो जाए तो हम कहीं भी रास्ते पे उसे एक पेड़ के किनारे फेंक देते हैं, कहीं पे भी हम उसे इस तरह कर देते हैं और वो इतनी गंदगी के बीच में रहते, क्या ये सही है आप मुझे बताइए। अगर आपकी नोट, अगर 100 रुपए की नोट अगर फट जाए तो क्या आप इस तरह इस पेड़ के नीचे फेंकते हैं? नहीं फेंकते हो ना, संभाल के रखते हो ना। तो इन मूर्तियों को भी आप कोई अच्छी जगह रखें कि जहां उन्हें गंदगी का सामना ना करना पड़े। हम जो है ये हमारे आराध्य है, ये हमारे समाज में कहां से ये कुप्रथा आ चुकी हुई है कि कहीं भी मूर्ति अगर टूट जाए तो उसे बस कहीं से पेड़ के नीचे आप रख दीजिए, यहाँ से आते जाते लोग जो है उसे फेंकेंगे, यहाँ पे शराब की बोतल आपको दिख जाएगी, गंदगी दिख जाएगी। तो ये कितनी नैतिकता है ये मुझे आप बताइए। मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या इन मूर्तियों को इस तरफ फेंकना सही है या गलत है, इस समाज से मैं पूछना चाहती हूँ जिसे हम अपने घर में पूछते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एक मूर्तियाँ नहीं है, कितनी सारी मूर्तियाँ और कितनी गंदगी के बीच में है। अब आप ये देखिए मंदिर, छोड़ रही हूँ। अगर आप इस विषय पे आगे भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।